हाँ एक बार और लीजिए और इनको देखिए, ये हमारे विक्की भैया हैं जो कि बहुत गाना में शूट करते हैं, और इधर ज्ञान भैया हैं बहुत ही मेहनत से शूट कर रहे हैं। और गाना का क्या बोले भैया, मिल तो करिया भतारगे। क्या बात है। और इनके सिंगर भी है ये, क्या नाम हुआ भैया आपका? रंजीत परवाना। रंजीत परवाना ना। तो ये जो गाना बन रहा है, शूटिंग हो रहा है, ये कहाँ देखने को मिलेगा? ये मेरे YouTube चैनल रंजीत परवाना म्यूजिक में मिलेगा। अच्छा, और आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, थोड़ा सा बोलिए कुछ। बहुत अच्छा लग रहा है काम करके हम लोग को। बोलबम का गाना, गाना कैसा लग रहा है आपको? गाना एक नंबर है। और हमारे पब्लिक को आप अपना नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम आकांक्षा शर्मा है। अच्छा, आपका तो बहुत सारा खोरठा सॉन्ग है। हाँ बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा बात है, तो इनका नाम सर्च कीजिएगा आप लोग, आपको इनका गाना भी बहुत सारा मिलेगा। चलिए भैया लीजिए एक बार लगाई। ये हम लोग साउंड है, इससे बजाते हैं साउंड से, और इस साइड में शूट होता है। लीजिएगा सो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पे। और दोस्तों आज हम लोग एक शूट कर रहे हैं, बोलबम का सॉन्ग है, आप लोग को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से हम लोग शूट करते हैं। अभी फिलहाल ये हम लोग एक कौन सा जगह है, ये जगह तो नहीं बता सकते हैं क्योंकि पता नहीं है कौन सा जगह है, लेकिन आप लोग सिर्फ देखिए क्या है। ये ज्ञान भैया इस साइड में है, इधर शूट हो रहा है। तो हम लोग दोस्तों इस तरह का गाना उना बहुत सारा शूट करते रहते हैं क्योंकि हम लोग का खोरठा वीडियो बनाते हैं, क्रिएट करते हैं हम लोग, और बहुत सारा यूट्यूब चैनल के लिए हम लोग गाना बनाते हैं, बना बना के देते हैं, उन लोग अपना अपना यूट्यूब चैनल पे रिलीज करता है। क्योंकि हम लोग जो इधर का अपना हिसाब से बनाते हैं, जो खोरठा भोजपुरी नागपुरी इस टाइप का गाना वाना हम लोग बनाते हैं। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह का वीडियो आप लोग अगर पसंद आता है तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ में। थैंक यू। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पे, और आज देख लीजिए मेरे साथ में है आकांक्षा, है ना, यही नाम है ना आपका? आकांक्षा नाम। तो हमारे दर्शकों को कुछ बताइए कि अगर कोई नया डांसर जो होता है या इस लाइन में जो काम करना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए कि इस लाइन में वो आ सकता है, कर सकता है और अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है? उसको घर पे रिहर्सल करना चाहिए मैक्सिमम। अच्छा, उसके बाद कहीं ट्राई करना चाहिए। वैसे इसमें तो मौका जल्दी मिलता नहीं है। नहीं, कैसे नहीं मौका मिलता, हम लोग मौका देते हैं ना, हम लोग मौका देते हैं, आप लोग देते हैं तो हाँ। अच्छी बात है, लेकिन वैसे मिलता है। देखिए, किसी के अंदर अगर टैलेंट है तो उसको निकालना भी तो जरूरी है, तो टैलेंट भी वेस्ट चल जाएगा। अगर है आप में भी है तभी ना आप कर रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन मुझे भी स्टार्टिंग में ऐसा काम नहीं मिला था। हाँ तो देखिए, हर चीज में कठिन होता है, बिना कठिन रास्ता है, लेकिन अभी क्या लगता है आपको कि बहुत कठिन है? अभी तो ऐसे ही फोन आता होगा, बुक होते होंगे कि हाँ आज यहाँ शूट करना है, वहाँ शूट करना है, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं लगता था? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं, कैमरा को फेस करना। हाँ, तो वही 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 बता रहे हैं, जो आप संघर्ष किए हैं ना, उसी के बारे में दो लाइन बता दीजिए हमारे दर्शकों को। स्टार्टिंग में मेरा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, और मैं मतलब बोलती थी कि काम करना है, लेकिन मैं स्ट्रेस तो ज्यादा करती थी। तो अच्छा, तो लगभग कितना आप एल्बम बना चुके हैं अब तक? 80-90। क्या बात है, चलिए बहुत खुशी का बात है। तो सारा गाना आपका यूट्यूब पे है। हाँ। दोस्तों आप लोग आकांक्षा जी का जितना भी खोरठा गाना है, भोजपुरी गाना है, मगही गाना है, आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे, सर्च कीजिएगा। ऐसे कोई फेमस गाना भोजपुरी है, खोरठा है, कोई फेमस गाना ऐसा? दीदी के ननदिया। हाँ। आप लोग दीदी के ननदिया देखिए, उस पर बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस हुआ होगा शायद, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं। चलिए बढ़िया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय।